चले जाते हैं भरत को ही राज करने को। सही बात है। देखिए एक बात बताइए, पत्नी को अकेले भेजने का मतलब क्या जब वो गर्भवती हो? राजपाट को यार ठोकर मारो ना, एक इंसानियत की बात आ जाती है, एक नैतिकता की बात जब आ जाती है, एक एक औरत के गर्भ में आपका अंश प्राइम बन मिनिस्टर रहा नहीं है। हाँ रिजाइन, बताएं हाँ तो ये बात, हाँ ये बात भी ये देखिए लॉजिकल है सतगुरु, सर। ये सदगुरु ने जो कही है ना, ये मैं समझ गया, ये सदगुरु की तरफ से आया है ये जो आर्गुमेंट है। सदगुरु ने रामायण नहीं पढ़ी है, उन्होंने तो ओशो की तरह कुछ बस ऐसे ऊपरी तौर पर फिलोसफी के तौर पर उसने ये बात बोल दी है ताकि ये लांछन जो उठता है और जो इसको थोड़ा सा उनको सुकून दिया जा सके, राम भक्तों को या फिर जो शर्मिंदा होते हैं इस आर्गुमेंट पे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कही गई है, उन्होंने नहीं पढ़ी रामायण। रामायण को आप खुद से पढ़िए सर, फिर आपको समझ में आएगा चीजें। मैं अभी तो लेट हो गया बहुत, क्योंकि वो भी थक चुके थे, नहीं तो मेरे पास आगे रामायण का मैंने पार्ट स्टार्ट करना था तो वो नहीं हो पाया, वो और काफी वो उस लंबा वक्त ग्राउंड राजा ही था। नहीं थे जब रावण से हाँ जीते थे। वो राजा भी नहीं थे, ये उस टाइम की बात है। जब आप रामायण में पढ़ेंगे तो ये चीज तब निकल के आएगी, वो आप रामलीला देख के, वो सॉरी जो टीवी सीरियल है उसको देख के जो बोला गया है वो अलग चीज है। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वहां पे चीजें अलग मिलती है, वहां पे कोई सैड गुरु वैड गुरु नहीं टिक पाएगा, वहां पे मोरलिटी नहीं है किसी भी तरह की। शंभू का वध क्यों किया था फिर राम ने भाई, अगर उसके अपनी मन प्रजा में का इतना वायरस ध्यान थे। रखना था तो शंभू का वध क्यों किया राम ने? ये भी दिखा देता हूं। देखना चाहेंगे अहमद जी? ये सर मैंने आपके एक वीडियो में देखा, एक्चुअली आपने ये चर्चा ओके, की थी तो हाँ उसका मैंने उस कहीं पे आपका और क्या कहना है? देखा, उसको नहीं मैं आपने ये कहीं कहा और। ना सर कि राम को तो जो प्रजा है उसको देखना पड़ेगा, समता भाव से देखना पड़ेगा, आपने यही कहा ना? अभी सर यस स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके इसके पीछे ओके ये बोल रुक सकते जाइए ना प्लीज, एक देख सेकंड लेते हैं ना, मैं। आपके अंदर का भी थोड़ा सा एक जो नैतिकता है उसको टटोलना भी बाकी है ना। निकालिए पेज, मैं तब तक ये सुपर चैट पढ़ देता हूँ। सुपर हाँ स्टिकर है आउट ऑफ बहुत ही कॉन्टेक्स्ट जी का और काफी बड़ा गोपी थे, सुपर वरुण जी स्टिकर का है। है और एक कविता भी आई है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कविता भी आई है, मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेट में। अरे क्यों नहीं हो रही? जब तक ये निकले सर तब तक एक बात बोलूं सर मैं, या अभी दो वेट मिनट करें? सॉरी चाहिए उनको, सुपर चैट पढ़ना है। सॉरी ओके आउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुपर स्टिकर भेजा। और शायद और तो नहीं है सर कोई? अभी मैंने किया, रावत पंकज रावत जी ने लिखी है प्राइवेट अच्छा, लेटर। कविता है प्राइवेट चैट में है। हाँ ये अभी हो मैंने गई। डाल दी, रिपीट कॉपी ओके पेस्ट कर ओके दी। ओके ओके अच्छा रावत जी लिखते हैं, बड़ी खबर टनाटन समीक्षा ने बुलाई आपातकालीन बैठक, मैट्रिक्स क्लब और जेसी हिंदू की अच्छे से धुलाई और बेइज्जती पर विचार विमर्श, टनाटन समीक्षा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की खबर, भक्तों में मायूसी। चलिए आपने ये व्यंग के रूप में कही है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आए थे अच्छे लोग थे, कोई बुरे लोग नहीं थे, और ये जो समीक्षा वगैरह है मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, ये एक ना एक दिन जरूर सुधरेंगे मुझे उम्मीद है। मैं इस मामले में बहुत आशावादी हूँ, और बहुत से लोग बदले हैं मेरे सामने, बदले हैं, इनसे भी डोगमेटिक लोग बदले हैं, ये तो फिर भी बहुत कम है, और हमसे तो क्या डोगमेटिक रहे होंगे। हाँ ये फिर से मैं दिखा देता हूँ सर, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर है, ये जी शीर्ष, जी ये कवर पेज है, शीर्षक पृष्ठ है, ये कॉपीराइट पेज है, और उत्तरकांड ये मैं लेके चल रहा हूँ सीधा। चारों तो दिशाओं पे चल चल चलना। आपने सर ये कहा था कि राम को
अपनी जो प्रजा है उसमें समता कायम करनी थी, इसलिए उन्होंने समता स्थापित करने के लिए कि भाई जो प्रजा है उसके बीच में न्याय संगत चीज रहे। तो यहाँ पे राम का न्याय कहाँ चला गया? देखिए ये वाल्मीकि रामायण में है ना, तो यहाँ पे हो रहा है कि क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किया किए लटका हुआ तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली, उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही, यहां ये बात जानिएगा ना भाई आपके भगवानों का क्या हाल है, उस शूद्र का वध होते ही अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। तो भाई और आगे ये भी है ना, ये वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। ये क्या है भाई, क्या आपको राम इसमें न्यायप्रिय दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मैं क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर यहाँ पे, कि एक कंडीशन भी मैंने यहाँ पे देना चाहूंगा, और पहले कि यहाँ पे हाँ, मैंने सुना ऐसा कि जो शंभुक जो थे वो तो एक तरीके से अच्छे व्यक्ति नहीं थे, भले वो हाँ हाँ शूद्र हाँ थे। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको, तपस आप तो अटक अटक के बोलेंगे सर, मैं थोड़ा सा निपटा देता हूँ इस चीज को। हाँ देखिए मैं आपकी हाँ बात समझ गया, वो स्वर्ग पे कब्जा करना चाहते थे, स्वर्ग पे वो कब्जा अच्छे नहीं करना चाहते थे सर, वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, इसके लिए तपस्या कर रहे थे। नहीं 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 सर, अमित जी आप समझे नहीं मेरी बात, पूरी होने होने दीजिए एक अच्छा बार। अच्छा हाँ इनका कहने का अर्थ है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, वो दुष्ट व्यक्ति थे। वो देवराज इंद्र को हटाकर वहां पर स्वर्ग स्वर्ग के का आधिपत्य चाहते थे। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हाँ मेरा वो वीडियो एक बार फिर से देखिए, मैंने उसमें इस चीज को ही कोट किया, इस चीज को ही डिबंक किया है, मैंने इस चीज को ही डिबंक किया है सच में। आप उस चीज को देखें एक बार जाके दोबारा से, और आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रिपीट करूंगा तो फिर बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, बात ओके सर, यह है, बट बात यह है कि अगर वो देवताओं का भी, मतलब देवताओं का स्थान भी पाना चाहते थे, तो क्या गलत था, क्या गलत ओके था? बट मतलब इसमें एक ब्राह्मण को ही देवता बनने का अधिकार है, एक ब्राह्मण को ही स्वर्ग जाने का अधिकार है, एक शूद्र को नहीं, स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। अच्छा नहीं उसमें बिल्कुल उसमें ना एक चीज और है, उस पर अभी मेरा ध्यान गया कि उसमें लिखा है मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो इससे जो एक कहते हैं ना कि जो जाति जो थी वो कर्मणा थी, जन्मना नहीं थी, उसका भी खंडन होता है। वो खुद कह रहा है कि मैं वाह, शूद्र योनि में क्या उत्पन्न हुआ हूँ। पॉइंट पकड़ा है उन्हें, सही है। ये सर सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन और एक एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो वो सपोज अगर कोई व्यक्ति, एक कोई राजा है जिसको पता लग जाए कि ये दुष्ट व्यक्ति है, और दुष्ट व्यक्ति अगर ये सीमा लांघ तपस्या गए, करने वाला पूरा दुष्ट। सुनाना पड़ेगा आपको, आपको पूरा सुनाना पड़ेगा। देखिए वो 4-5 पेज पे है ये पूरी, जब कथा आप पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। यार एक अरे ब्राह्मण उनको ने, नहीं शूद्रों ने इसमें पे नहीं, मारा गया है, शूद्र होने पे उसको शूद्र होने मारा पे है उसकी हत्या की गई है और उसको कैसे उकसा के भेजा गया था वो देखिए आप ब्राह्मणों जाके। वो तो जानता भी नहीं था कोई संभूक है वहां पे, कोई कोई व्यक्ति है, वो जानता भी नहीं था उसको। वहां पे जो नारद बोल रहा है कि तुम्हारे तुम्हारे इस एरिया के अंदर, तुम्हारे जिस राज्य के अंदर कोई शूद्र तप कर रहा है, कठोर तप कर रहा उसके है, कारण उसको ब्राह्मण ही बोला बालक की उसने। मृत्यु हुई। हाँ उसके कारण इस ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हुई है। देखिए आपको ये बात बताऊं, ये इसको ना सभी धार्मिक लोग इस कथा को, इससे बहुत बचना चाहते हैं, और आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं, ये मैं कर मिलावटी है, बचाया, ये सच में मिलावटी नहीं है, और इसको मिलावट इसलिए किया गया था ताकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार छीन लिया जाए उनसे। इसकी मिलावट का मकसद भी ओके यही था।
मैं यहाँ पे ये हाँ मैं मानता हूँ सर, ये तो गलत है लाइक ऐसे करना, बट इसमें मैंने एक लाइक मैंने जहाँ सुना पढ़ा वो ऐसा था कि ये थे और उन पता भले ही वो सूत्र के हिसाब से नहीं मारा उनको, वो वहां पे जाकर गलत यार काम करते आपके सामने पूरा पढ़ के तो सुना दिया मैं। आप मेरा वो वीडियो एक बार देखिए, उसमें मैंने यस बाकायदा पूरी कथा सुनाई है, पूरी कथा सुनाई है, आपको एक वो चीज समझ में आएगी। अगली बार फिर आना आप, चलो ठीक है। नहीं, एक बार इनसे एक और चीज पूछ लेते हैं ना सर। अच्छा भैया सुनो ना, भैया जी ये बताओ यार कि वो जो मैंने अभी हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई पढ़ी थी, जुग सहस्त्र जो जान पर भानु, लिलियो ताही मधुर मधुर फल फल जानू। जानू, हाँ, तो आप ऐसा मानते हैं क्या कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? इसका आंसर मैं सर थोड़ा सा अलग प्रकार से देना चाहूंगा। कैसे? हाँ, ब्लिंक। अभी है ना हमारे टाइम पे भी जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप जो थे राइट, वो 300 किलो से ज्यादा वजन अपने ऊपर हमेशा लेकर रखते थे। लेकिन हाँ, फिर आज के समय में क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आज के समय में नहीं 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 कर सकता राइट। सकता। इतिहास नहीं, में हमने सबसे पढ़ा ज्यादा है रणवीर सिंह ने पहना था राइट, कुछ। तो बस उसी आधार यही मेरा लॉजिक है कि उस आधार पे, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं है, बट लॉजिक ये है मेरा कि जब महाराणा प्रताप ऐसा कर सकते हैं जो कि अभी हम नहीं कर तो सकते, हनुमान जी भी सूरज को निगल सकते हैं। बचपन में 3 साल की मतलब उम्र आप में। कहते हो कि अच्छा 300 किलो का भाला, मतलब 300 किलो का कवच वो पहन सकते थे, ऐसा मानते हो? महाराणा प्रताप, हाँ, महाराणा प्रताप तो हाँ वो तो हिस्ट्री में लिखा है ना सर। हिस्ट्री में नहीं कहाँ लिखा है मेरे भाई, ख्याल। हाँ, तीन बाईस हाँ किलो हिस्ट्री का में। निकला। चलो हनुमान हनुमान जी जी कोई पे रख लॉजिक, लेते हैं। लॉजिक वॉजिक भी होता है कुछ, इंसानी शरीर की क्षमता भी है कुछ, 300 किलो वजन, आप नहीं सोचो। आप एक बार अभी आप आपको सर्च आपको पता है, करो। आपको पता है कि इंसान अपने वजन, मतलब एक बहुत फिट व्यक्ति होगा वही अपने वजन से दुगना वजन उठा सकता है, और तिगना वजन उठा उठाना मतलब उठा लेगा किसी तरह से, मतलब एज ए वो भी वेट बहुत, लिफ्टर हाँ वो भी मतलब प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, लेकिन उसको वो पहन के पहनकर चलना, चलना और लड़ाई लड़ना वो कितनी बड़ी बात है। घोड़ा बैठ तो जाएगा सर नीचे। एक्चुअली एक बार सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी अभी के अभी विकिपीडिया पे या कहीं पे ऑनलाइन देखोगे, मैं क्योंकि मैंने देखा था इसको और मुझको ऐसे आंसर्स मिले थे अच्छा तभी सुनो ना सर, उसकी। एक मिनट रुको ना, ये मैंने महाराणा प्रताप का सवाल आपसे नहीं पूछा था, मैं हनुमान जी का पूछा था, आप महाराणा प्रताप पे चले गए, वो उस पे बाद में करेंगे बात। सुनो ना, देखो सूरज का जो डायामीटर है ना सन का, वो तकरीबन 14 लाख किलोमीटर का है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैं कोई चीज को खा रहा हूं, तो यार जिस चीज को मैं खा रहा हूं वो मैं जितना मुंह खोलूंगा उससे छोटा होना चाहिए, है ना? निवाला ये छोटा होना छोटा चाहिए। तो अगर हनुमान जी सूर्य को निगल रहे हैं तो पक्की बात है कि हनुमान जी का मुंह सूरज से बड़ा है, तो 14 लाख किलोमीटर का सूरज है, तो हनुमान जी का मुंह अपन कितना मान सकते हैं? सर हाँ बात पंद्रह ये लाख बहुत 16 लाख ऐसे? हाँ बात ये सर पुरानी है मानते हैं इसका आप नहीं, साक्षी वैसे ही किसी एक ऐसे ही मैं लॉजिकली पूछ रहा हूं, जैसे 14 लाख किलोमीटर डायमीटर सन का है, तो हनुमान जी का यस मुंह उससे बड़ा ही होगा निगलने के लिए, तो हाँ 15-16 लाख किलोमीटर मान लूं मैं? हाँ वैसे मान सकते हैं वैसा हाँ मतलब लॉजिकली हनुमान लाइक जी का मुंह जो है वो 15-16 लाख किलोमीटर का उनका जबड़ा हो गया था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हनुमान जी का जबड़ा उतना बड़ा है कि वो सूरज को निगल लिए, इसका मतलब हनुमान जी सूरज से बड़े होंगे ना जरूर, जबड़ा बड़ा है तो सूरज से भी बड़े हो गए हनुमान जी। तो यार आप मेरे को एक बात बताओ, सोलर सिस्टम में सन की ग्रेविटी के कारण में जितने प्लेनेट हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब हनुमान जी जो कि सूरज से भी ज्यादा बड़े हैं वो सूरज के पास पहुंचे निगलने के लिए, तो हनुमान जी के इर्द गिर्द जितने प्लेनेट वो रिवॉल्व नहीं करने लग जाएंगे, सेंटर नहीं बन जाएंगे सोलर सिस्टम के? बात सी है सर, इसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा सर, लेकिन क्या ये क्योंकि बहुत पुरानी चीजें अब कोई भी आंसर इसको दे कितना नहीं पाएगा पुराना आज होगा ये, की। कितना पुराना होगा फिर भी? अब मैंने भी सिर्फ सुना ही है लाइक अभी 5,000 साल वर्ष बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर पांच सर हजार आज साल की पहले दुनिया मतलब सूरज, कहीं सूरज छोटा तो नहीं था?
हो सकता है ना। मैं है ना, इसका आंसर है ना, मैं और कोई भी नहीं दे पाएगा, बट ये पुरानी चीजें, अब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन ये उनकी महिमा का गान करने के लिए ऐसा किया गया था। और ऐसा देखिए, आप महिमा गान के बारे में आपने ये कह दिया कि उसका महिमा गान गाया होगा, अभी आप इसको कह रहे थे कि हाँ हुआ होगा। यही होता है भाई, जब आप चीजों को ना बिना देखे बिना सोचे समझे मान लेते हैं ना, तब यही होता है। अभी ये देखिए, अभी आप बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के कवच की और उसके कितने किलो का था, ये तो टोटल, अभी उनका भाला भी आ गया, कवच भी आ गया, उसमें ये सब कुछ आ गया। ये संग्रहालय की इमेज है, संग्रहालय में मतलब जो महाराणा प्रताप का संग्रहालय है जहाँ पे उनका सब सामान रखा हुआ है, ये उसकी वहां की इमेज है। और यहाँ पे सारा टोटल तामझाम, मुकुट भी आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल मिला के 35 किलो। अब आप बताइए, ये आप क्या, कौन सा ज्ञान लेकर आप बैठे हैं, कहाँ से आप पढ़ के आते हैं सब चीजें? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक जो महाविद्यालय है ना, वहां से आप इस्तीफा दे दीजिए प्लीज, ये आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया होगा, सेहत के लिए भी अच्छा होगा। देखिए ना, आपके सामने है, बताओ, कम से कम गूगल ही कर लिया करें यार, गूगल करने में क्या जाता है। नहीं, मैंने सिर्फ गूगल किया, गूगल, हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है ये कम है, गूगल किया था मैंने और दो तीन जगह पढ़ा था मैंने वहां। मैं कह रहा हूँ ना, गूगल पे किस चीज की आती है वेबसाइट सबसे टॉप पे, जो सबसे, देखिए किसी हिंदू डोगमेटिक ने ये सब डाल दी, ठीक है, तो जब आप सर्च करेंगे ना तो वहां पे उस चीज की वेबसाइट मिलेगी। एल्गोरिदम होता है, हाँ एल्गोरिदम का काम होता है, वो जो सबसे ज्यादा देखा गया है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जिस पे आया है, वो वेबसाइट वहां पे खुलेगी, सबसे ऊपर टॉप पे खुलेगी, और आप उसी को सच मान लेंगे। नहीं, ऑथेंटिक रेफरेंस पे जाएंगे आप, ये तरीका होता है किसी चीज का ढूंढने का, कोई फैक्ट ढूंढने का ये तरीका होता है। आपको 10 पेज भी खंगालने पड़े ना, जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स ना मिले तब तक आप यकीन मत करें, ठीक है। और जाते जाते बता दूं भाई, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है ना, वो 6000 डिग्री है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। सर लेकिन लास्ट में, हाँ सॉरी, बताएं कह दे। ओके सर, मैं है ना एक्चुअली ये बोलना चाहूंगा कि ये जो जो इसके सबूत है ना, प्रमाण भले ही किसी के पास ना हो, किस चीज, लेकिन ऐसे हुआ था, मतलब हो सकता है रामायण में और महाभारत में जो चीज लिखे उनके प्रमाण भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन मैं ईश्वरीय शक्ति और उसमें विश्वास करता हूँ, और आई थिंक ये, हाँ एक मिनट, हाँ लेकिन, और ये मेरे सबसे अच्छा ही है, उसका मैं आगे आगे कारण बताता हूँ। देखो भगवान है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है जिनसे कुछ मांगो। सॉरी 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 अमन जी, मैं एक चीज कहूंगा, जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई उस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपका, आपकी क्या राय है, आपकी मानसिकता क्या बनी, अब बताएं, फिर हम भगवान पे चलेंगे। देखिए ऐसे नहीं जा सकता ना कि बताएं, उस पे आपकी क्या राय है, रामायण पे, राम पे और ये महाराणा प्रताप पे और हनुमान जी पे, और हनुमान जी पे, उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे गॉड पे। ओके, तो राय तो सर मेरी ये कि मैं सबूत नहीं दे पाया हूं, तो मैं, नहीं नहीं नहीं, हमने दिए ना सबूत आपको, आपने, आपको सबूत देने की, किसने कहा कि आप सबूत दें, हमने सबूत दिया है ना आपको कि रामायण का राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, दूसरा महाराणा प्रताप कोई ऐसे दिव्य पुरुष नहीं थे कि उनके पास 80 किलो का कोई कवच था, उनका भाला था, 300 किलो का जो आपने कहा वो सब झूठ है, फेक है, टोटल ही तामझाम 35 किलो का था। नहीं नहीं, तलवार और सब मिलके 35 हो गया कवच, हाँ मैं टोटल तामझाम जो हो सकता है इसके अंदर, वो जो घोड़े के ऊपर सजात लगाते हैं ना, वो भी शामिल हो क्या, ठीक है, जूते भी होते हैं उनके, सब कुछ होता है, डेढ़ डेढ़ दो दो किलो के जूते होते थे, समझ रहे हैं आप, आप मानते हैं इस चीज को कि ये सब बकवास बातें हैं, सब झूठ है। कौन सी, ये रामायण वाली और हनुमान जी वाली, वो हनुमान जी वाली और रामायण वाली और ये महाराणा प्रताप वाली? हाँ मैंने अभी जब आपने मेरे को दिखाया ना, तब भी मैंने अभी खोल के देखा था, तब भी मेरे को वहां पे दिखा ऐसा 300 किलोमीटर वाला, 300 किलो वाला, बट मैं ऑथेंटिक बोला कि ऑथेंटिक आपने मेरे को दिखा दिया, राइट। आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है? मेरी है 31। 31 लेट हो, अरे भाई नहीं, ठीक है ना, चलो वो महाराणा प्रताप वाला मान लिए ये सर, ठीक है, चलो अब आगे हम ले लेते राम को।
राम, भगवान राम का, भगवान राम का। हाँ, तो जैसा आपने बताया उसके मैंने भी समीक्षा की कि निर्णय निर्णय एक तरीके से मेरे अभी मैं आज के टाइम में सोचूं तो वो एक प्रकार से गलत था। दूसरा प्रकार भी मैंने आपको बताया, मैं राजा का मानूं राइट तो भी एक तरीके से वो गलत ही है क्योंकि वो राजा थे ही नहीं उस, सॉरी राजा थे नहीं बट राजा का राज्य भार आने वाला तो था ना, ऐसा था ना कुछ। तो छोड़ दो, चलो ठीक है। और हनुमान जी का, हनुमान जी का लाइक आपने जैसे मेरे को बताए हैं फैक्ट्स, तो उसके आधार ये काल्पनिक लगता है बट पुरानी चीजें कह नहीं सकते सर, बाकी काल्पनिक है मैं कहूंगा लेकिन पुरानी चीजें तो पुरानी चीज मींस कितनी पुरानी, पुरानी मींस कोई 5000 मतलब ऐसा हो सकता है आप ये मान रहे हो ना? सीधा सीधा बताओ भाई आप क्यों इधर उधर हम जा रहे हैं। सर विश्वास पे ही दुनिया कायम है तो मैं मान सकता हूँ, मान लिया ह्यूमन विद साइंस सर ये 31 इयर्स के हैं तो और थोड़ा सा मैं कर लूं क्या? ये शायद अपन लास्ट ही कॉलर हैं क्या? ये सर मेरा लास्ट टॉपिक है ना भगवान वाला रहेगा, इससे इसको हम पहले निपटा लें प्लीज, वो एक टॉपिक रहेगा थोड़ा सा। निपट गया भगवान वाला बता दो, चलो निपट गया ये तो निपट गया आपका, भगवान पे आ जाओ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जो चीजें हैं जो पुरानी हैं इनको भले ही हम प्रमाणित ना कर पाए लेकिन ये ईश्वरीय शक्तियों में मैं विश्वास करता हूँ और ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा ही है। और मैं बताता हूँ आगे कि भगवान होते हैं वो एक्चुअली ऐसे भी हैं कि वो हमारी सहायता करने के लिए ही खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं किसी या दुख में और 80% जनता एक वक्त का खाना खाती है उनके लिए भगवान नहीं, एक मिनट बोल लेना। हाँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी ठीक मेरी गाड़ी खराब हो गई है या मेरे पेट में दर्द या मैं फेल हो गया हूँ तो मैं तब बोलूँ कि भगवान मेरी गाड़ी ठीक कर दो, मेरे पेट का दर्द तो भगवान करता क्या है, ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा कुछ है नहीं, सॉरी सॉरी, भगवान करता क्या है, भगवान करते क्या है? हाँ मैं उस पे इसका जवाब मैं दूंगा सर, अभी थोड़ा सा मैं एक चीज कम्प्लीट। तो मैं ये कहना चाह रहा था ऐसा नहीं है कि ऐसा वो करते हैं तो, लेकिन फिर भी एक ईश्वरीय सत्ता है, एक डिवाइन पावर है, हम बस ऐसा मान के चलें। और वो अच्छों को सजा देती है, नहीं आप ये बताओ ना कि वो क्या करते हैं उससे क्या लाभ है वो बताओ, आप जो नहीं करते हैं वो जानकर क्या फायदा, करते क्या है वो बताओ। हाँ वो मैं बताऊंगा सर, तो अब देखो क्या ईश्वरीय सत्ता और डिवाइन पावर का जो उल्लेख है ना वो हमारी कई सकारात्मक पुस्तकें जो आज की युग में भी प्रकाशित होती है ना उन सब में भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अखंड ज्योति नाम की एक पत्रिका आती है, एक सेवा यत्न नाम की पत्रिका आती है, राइट? ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जो मानव समाज को के कल्याण के लिए काम राइट सर, और उसमें जातियों में सॉरी जातियों में तोड़ देती है सर, क्लियर आवाज नहीं है, बोलिए आगे, बोलिए आगे, बोलिए बोलिए ना आप। पत्रिकाओं में भी सर क्या है मानव कल्याण के लिए बहुत सारे इतनी अच्छी क्वालिटीज और गुण हैं कि अगर मनुष्य उन किताबों को पढ़े ना तो अच्छा। एक उत्तम उत्तम व्यक्ति वो बन सकता है लिख अच्छा। और उन मैं विसर्जन करके आया 2 मिनट। बिल्कुल अच्छा, अमन भैया सुनो 31 पक्का? हाँ। भगवान शंकर को मानते हो? शंकर को यस। भगवान शंकर की पूजा करते हो? हाँ करता हूँ। शिवलिंग की पूजा करते हो? पूजा मीन्स सब लोग जल चढ़ाते तो मैं भी चढ़ाता हूँ, कभी जाता हूँ। रगड़ते हो? शिवलिंग को स्नान कराते हो? हाँ उनपे मैं जल चढ़ाता हूँ, मैं सब लोगों को देखता हूँ भी चढ़ाता हूँ। ठीक है, शिव जी के लिंग को रगड़ रगड़ के स्नान कराते हो? नहीं सिर्फ पानी डालता हूँ उसके ऊपर। ऊपर से पानी डालते हो? हाँ। उसको सहला मतलब उसको छू के नहीं आप धोते हो? नहीं मैं सिर्फ पानी डालता हूँ और
क्या नाम है उनके मंदिर में चरण स्पर्श कर लेता हूँ। शिव जी के लिंग को आप नहलाते हो ना? हाँ सिर्फ पानी डालता हूँ ऊपर कैसा लगता है? ठंडा कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं, सब लोग आपको अच्छा एक, लगता है? हाँ अच्छा लगता है। शिव जी के लिंग को जब आप स्नान कराते हो आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा ही लगता है सर, एक धार्मिक एक अनुष्ठान, एक तरीका वो एक तरीके कहाँ अच्छा लगता रीति है? कहाँ पे अच्छा लगता है? रिवाज। देखो सर, आप किसी अगर भगवान को हाथ जोड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो कहाँ अच्छा रिवाज लगता है? के शिव जी के लिंग को जब आप स्नान कराते हो आपको कहाँ अच्छा लगता है? अच्छा को अच्छा लगता एक चीज, आपके मन में अच्छा लगता अमित है। जी, अमित हाँ जी सर। एक रिक्वेस्ट है कि दो अभी सनातन की तरफ से दो लोग और आए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आप हाँ लोगों हाँ को ले नींद ना लीजिए। आए। हाँ वो बहुत प्राइवेट चैट में कह रहे हैं, तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। और इन क्या नाम है इनका भाई साहब का? अमन जी, अमन जी आप जल्दी से अपना पक्ष रखें, जो भी आप कहना चाहते हैं, अटके ना, जरा फास्ट में चलें। ठीक है, बिल्कुल सॉरी रियल जी, आप पहले निकल गए थे तो दोबारा आप आए नहीं, तो लेट आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ गए, मैं आपको वो स्क्रीन पे ले रियल रहा हूँ आएगा ही ताकि नहीं, आप। वो वैसे ही है, वो बात ही नहीं करता वो। नहीं कोई बात नहीं, वो एक और है, वो भी कह रहे कि मैं 5 मिनट में निपटा दूंगा। कौन है भाई? हाँ हाँ निपटा दो, पर हम फिर 1 मिनट में जैसे निपटाएंगे वो लेना पड़ेगा, अभी हमारा पेशेंस हाँ खत्म। सनातनी डायनासोर किधर है यार? सनातनी डायनासोर दोबारा से आ जाओ भाई, जगह पे है डायनासोर जी, आप भी आ जाए अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो आ जाएं फटाफट से। तो मेरे को लास्ट में एक समय दोगे ना थोड़ा सा आप सर? हाँ हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं आप आपको जल्दी नीचे से रख आप अपना लूंगा। पॉइंट रख लो। हाँ जल्दी से मैं आपको नीचे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, बोलो वो बोलो सर। रियल रेशनलिस्ट जी, बोलो यार, इतना गाली बकते हो आप। उससे पहले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज आपने काफी बड़ा योगदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया आपका। नेचर अनमूव्ड। खोल सर, ओके ओके, बुलमैन जी आप भी एंटर कर सकते हैं, आप भी आ जाएं, जुड़ जाएं एक बार। और चले गए वो, क्या बात, मैं तो बोला ना चलो आपको, वो फट्टू है वो। मतलब, अरे हाथ दया यार। चलिए अमन सर जी मैं आप ही ऐसा बात कर, करें, आप में कम से वो कम दो एक रुपए के लिए आता है ना फॉर्मल के लिए। सर मैं एक सबको रिकमेंड करना चाहूंगा सर कि अखंड ज्योति पत्रिका है ना, वो पढ़ें सर। वो पढ़ेंगे ना तो उसमें वो, एक तो, और एक सेवा यतन, तो इससे क्या होगा आपके अंदर मानवीय गुण बहुत कूट कूट के भर जाएंगे, एक तो, राइट? मानवीय और गुण साथ क्या में होते हैं इससे बोलो मानवीय यार गुण मेरे। से, वही जो आपने मेरी समीक्षा की थी जब मैंने बोला कि सीता को दुख हुआ होगा, उस तरह के गुण वो हमें लबा लब भरे पड़े हैं। मैं भी एक किताब का नाम आपको रिकमेंड करूं, हाँ रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन, जरूर पढ़िए। सॉरी कौन सी? गॉड्स रिचर्ड डिल्यूजन। डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन, रिचर्ड डॉकिंस जरूर पढ़ो। ओके तो एंड सर गॉड इज अखंड, डेड भी पढ़ो, कौन सी दोस्त सर, सेकंड गॉड वाली? इज डेड। गॉड इज डेड। ओके ठीक है अमन जी, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, ये भी पढ़ें आप, हाँ इसको पढ़कर काफी फायदा होगा आपको। हाँ जो चीजें और आपने सेपियंस। अखंड अखंड ज्योति बता रहे थे ना पत्रिका का नाम, उससे भी कहीं बहुत बेहतर चीजें जो कि आप दैनिक जीवन में यूज करेंगे और जिसका फायदा मिलेगा आपको। और सेपियंस जरूर पढ़ना, हाँ यस ठीक है? सेपियंस जरूर पढ़िए। किताबों के नाम आप भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सब सारी याद नहीं, द गॉड डिलीजन मेरे को याद रहा, एक सेपियंस याद रहा, और क्या डेथ डेल ऑफ कार्नेगी, डेल डेल कार्नेगी, कार्नेगी। डेल लोक व्यवहार कार्नेगी। है, लोक व्यवहार हिंदी में आता है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कोई दोस्त अगर यहाँ पे लाइव चैट में लिख दीजिए यार इनके लिए प्लीज, कोई दोस्त हाँ आप इन प्लीज पांचों लिख पांचों दीजिए। किताबों का नाम लिख दीजिए, चार पांच किताबों का। ठीक है अमन जी, आप ये काम कीजिए और आपको बहुत आराम, बहुत फायदा मिलेगा। मेरे को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं सर, एक कोई। आपसे
नहीं भाई नहीं नहीं आपसे कोई सवाल नहीं है, आपसे कोई सवाल नहीं है, आपसे क्या सवाल करेंगे हम? लाइक वही आप जो बोल रहे थे भगवान क्या करते हैं, जो मैंने रोक दिया था आपको बीच में। हाँ बस क्या उनका रोल क्या है, बस जल्दी से निपटाइए। क्या प्रश्न है कि भगवान का रोल क्या है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताएंगे, क्या लेकिन करता टाइम क्या है? नहीं वो कुछ करते नहीं, मतलब एक डिवाइन पावर है बस, मान के चलो। पावर का फायदा क्या है कि जब लाइट फायदा क्या उसका? फायदा फायदा कुछ नहीं सर, हर चीज का फायदा नहीं होता सर। भगवान खाना खाते हैं? भगवान खाना खाते हैं? नहीं ये तो पता नहीं सर, डिवाइन तो मंदिर प्रसाद क्यों चढ़ता है? अच्छा ये आपका जो कंक्लूजन है इसका आधार क्या है कि कोई डिवाइन पावर है? ये आपको किसने बताया, भगवान ने बताया या फिर किसी इंसान ने बताया? ये अनुभूति होती है सर। हाँ और इस अनुभूति एग्जांपल में कितनी बार होती है दिन में? एक एग्जांपल बता रहा हूँ सर इसका मैं। देखो जो सचिन तेंदुलकर जो थे ना, जब वो क्रिकेट खेलते। आपको छोड़िए छोड़िए अमन जी, अमन जी इतनी कहानी में नहीं जाती। आपको कभी, सॉरी माफ कीजिए, आपकी एज 31 साल है, आपको कभी स्वप्न दोष हुआ है? स्वप्न दोष? हाँ अरे हाँ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नाइट फॉल वगैरह हुआ है कभी? कभी हुआ होगा सर। अरे हुआ होगा क्या, हर किसी को होता है यार, हुआ होगा। इस इतनी सी बात को भी स्वीकार नहीं करते, हर किसी को होता है। देखिए उसमें अनुभूति होती है, आपको पता है अनुभूति ऐसी होती है कि आप तो बस कर रहे, मतलब हो गया ठीक है। वो अनुभूति आपको याद होगी, जरूर होगी, याद होगी। कभी चने की दाल थोड़ी सी दबा के खा लीजिएगा या बैंगन का भरता खा लीजिए रात को, तो पता लग जाएगा अनुभूति का, ठीक है। कोई गर्म चीज खा लीजिए, बेसन के लड्डू खा के सो जाइए दो तीन, आपको अनुभूति मिल जाएगी। और अनुभूति के फिर आप बताना कि वो अनुभूति चीज क्या होती है नेक्स्ट टाइम आके हमें। तो भैया वही ये भी नेक्स्ट टाइम ये भी बता देना कि शिव जी का लिंग का पूजा करते तो कहाँ अच्छा लगता है। मैंने सब बता दिया सर, मन को अच्छा लगता है। मन कैसा मन में अच्छा लगता है? हाँ सांत्वना मिलती है, गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती है, सॉरी गुदगुदी होती है? नहीं गुदगुदी नहीं है, मतलब कोई चीज कंप्लीट होती है तो सांत्वना होती है ना, लाइक पूजा कंप्लीट हो गई मतलब। अच्छा हाँ हाँ, मतलब को नहीं नहीं मतलब अगर को रिलैक्स हो जाते हो, रिलैक्स रिलैक्स अब कुछ भी बोल सकते हैं सर अपन, एक मन में संतोष। नहीं नहीं मतलब कुछ भी चीज कंप्लीट होती तो आदमी रिलैक्स हो जाता है ना, तो वैसे ही होता है। यस हाँ ठीक है जाओ भाई आपकी आपने एज गलत बताई, आप वाकई में लग नहीं रहे कि 31 के आप, सच में अब मुझे तो आप 17-18 साल के बच्चे लग रहे हैं। अच्छा मैं योग करता हूं इसलिए, मेडिटेशन में करता हूं इसलिए। अच्छा आपकी आवाज और आपकी मतलब योग से आपकी बुद्धि भी मतलब वो कम हो सिकुड़ित होगी, संकुचित हो गई है। अच्छा सुनो यार, मैं रियलिस्ट आजाद के चैनल पे भी रहता हूँ, तो सोमवार को आप आना वहाँ पे मेरे पास। कौन से चैनल पे? रियलिस्ट आजाद। रियलिस्ट आजाद? हाँ रियलिस्ट आजाद, रियलिस्ट आजाद का चैनल है, आप यूट्यूब में देखना। तो मंडे को मैं वहां पे रहता हूँ, वहां 8 बजे स्ट्रीम रहती है, 10 बजे के बाद मैं वहीं रहता हूँ, 10 से 1 वहां मिलूंगा आपको, आना। 8 से 10 मैं रहता हूँ। हाँ 8 से 10 डॉक्टर साहब रहते हैं। यस यस मैं 8 अपने पॉइंट्स वहां पे रखूंगा जो मैं रखूंगा। हाँ बिल्कुल, हम पूरा टाइम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो गया और आपकी थोड़ा सा क्या होता है कि वजन सा नहीं आ रहा अभी, अभी वजन नहीं मिल रही, किक नहीं मिल रही अभी हमें, इसलिए थक गए, 3:15 बज गए, थक गए और 2 आने वाले हैं। चले शुक्रिया आपका। हाँ जी सैम जी, हेलो। हाँ जी स्वागत है सर आपका। आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी आ रही है। रियल लेशनिस अब लिख रहा है, मैं आऊंगा तेरी लेने। चले जी सैम जी बोले, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोले। तेरे को बेटे हेलो जी बोले, क्या बोले?
हाँ जी हेलो सर, बोलिए पहले मैं सर, रिक्वेस्ट करना बोलिए। चाहूँगा। हाँ हाँ पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कोई मुझसे कोई मतलब मेरी कास्ट ना पूछना ओके और कोई चिल्ला चोटी करके बात ना करे और ठीक कोई है। गाली माली ना दे। और सर मैं आपके ह्यूमन जी और मैं आपके चैनल में आया हूँ, मैं हाँ आपसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, कोई बीच में इंटर करना। मतलब ठीक अमित है तिवारी तो ना बोले सर, आप हाँ बात कर लो, ह्यूमन सर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कोई थक बात गया नहीं वैसे, मतलब यही अरे बात है, हाँ एक्चुअल बात ही है। हाँ हाँ तो सैम ठीक जी है भाई, अच्छा, आपकी बात उससे सुनता पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए मैंने हूँ अभी लास्ट टाइम एक लिंक शेयर किया है, इसके बाद मैं लिंक शेयर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो जिस किसी भी सनातनी भाई को आना है तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं। अभी अभी तो देखिए हम थके पड़े हैं यार, धावा बोल रहा हूँ, अभी हमारी हेलो। सेना ढह चुकी है नींद के असर में, तो आप धावा बोल मैं सकते हूं, हैं। अभी जग गया हूं। नहीं जग तो हम उसी टाइम जाएंगे, हमें खुराक नहीं, चाहिए असल जग में। जगह तो मैं भी हूं, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के पास लाइव चैट में जा रहा हूं, अब आप लोग इनको बात करो, ये तो मेरी बात ही नहीं ओके करेंगे भाई। यार इधर ओके मेरे सैम को जी, बड़े चलिए चलिए गाली दे फटाफट रहा से है आप अपनी ये। बात रख। जी हाँ जी सर, मैं ये कहता हूँ सर, मैं सर थीसिस्ट हूँ और थीस्ट है। मैं हाँ ओके, कास्ट आप स्ट्रक्चर। आस्तिक हाँ आस्तिक सर हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक कोई बुरी बात है, नहीं और बोले। सर ठीक है, और सर जो कास्ट सिस्टम है आपसे ज्यादा मैं थोड़ा सा उसके देखिए, खिलाफ हूँ थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज, क्या हो क्या, हमें समझ नहीं आ सर। रहा है। एक्चुअली क्या, एक्चुअली मैं ऐसी जगह पे हूँ, मैं एक्चुअली कॉलेज हॉस्टल में हूँ, और रात के 3:30 बजे मैं कैसे बात कर पा रहा हूँ नहीं हाँ हाँ जानता। अच्छा अच्छा हाँ ओके ठीक है ओके ठीक है। तो सर मैं कास्ट सिस्टम के आपसे ज़्यादा आपके खिलाफ हूँ, ठीक है, और मैं इसको रेडी चाहता हूँ, लेकिन उसकी याद में मैं धर्म को बदनाम नहीं, कास्ट यार, सिस्टम मुझे आपकी बात सिर्फ इतनी समझ आई कि कास्टिज्म के मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन उसकी आड़ में मैं धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं ठीक हाँ कह रहा मैं हूं? नहीं करता हूँ जी, क्योंकि अच्छा, मैं सर उसकी सर आड़ में बहुत धर्म को बदनाम ज्यादा नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए आपकी आवाज जी ठीक से नहीं आ रही, मैं सर कंप्लीट कर देता हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि जातिवाद के खिलाफ मैं हूं, बिल्कुल आपसे भी ज्यादा खिलाफ हूं मैं, और मैं लेकिन जी उसकी आड़ जी में धर्म को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जातिवाद आता कहां से है? जातिवाद सर, ये एक कुप्रथा है सर, कुप्रथा है, यहाँ कुप्रथा सर है, इसको आती खत्म कहां से, होना संदेश हुआ कहां से आता कहाँ है, से आई कहां से अब आई है सर, जैसे कुप्रथा? कहाँ से आई, ये तो ह्यूमन है सर, हम लोग जब हाँ सोसाइटी ग्रो करती है तो उसमें बहुत सारी हाँ कुरीतियां आती हैं सर, कहां तो से इसको सर आई खत्म भाई, करना और सिर्फ हो भारत रही है में ही खत्म सर, ज्यादा क्यों, मतलब भारत ये से स्वाभाविक कहीं चीज है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्वाभाविक चीज सर है नहीं सर, ना? स्वाभाविक चीज है, इसको खत्म करना है सर, खत्म करना है हम लोगों को ही, हम लोग ही करेंगे। और जो हाँ जैसे अब सर दहेज प्रथा है, ये भी हाँ कुरीति है, खत्म हो हाँ रही है, इसके कहाँ खिलाफ से लॉ आई, बन कहाँ चुका से अभी, आई? पूरी तरीके से खत्म नहीं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है सर, लेकिन हाँ हो रही है इसके, मतलब इसके खिलाफ तेजी से खत्म हो रही है, काबिले तारीफ है सर। और अपनी जाति प्रथा थी ये भी खत्म हो चुकी है सर, अच्छा, खत्म हो एक चुकी ऐसी है। कास्ट सिस्टम, सती प्रथा तो खत्म हो चुकी है ना सर। हाँ सती प्रथा, हाँ सती हाँ प्रथा खत्म हो चुकी है, ठीक सती है प्रथा तो खत्म हो चलो। चुकी है, दहेज प्रथा नहीं हुई अभी भी होती है, मानता हूँ हाँ जी खत्म हो रही है सर, इस तरीके से कास्ट सिस्टम भी खत्म होगी, हाँ होगा उसकी आड़ भी, में ना हाँ हो ना सर, बहुत प्रोग्रेस हो चुका है सर हाँ हाँ चलिए ठीक है, उनको मैं सर। मान रहा हूँ आपकी बात, आगे आज बढ़े वो आप। जो आज सर जो नीची कास्ट में, मतलब जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उनको स्पेशल रेट्स मिल रहे हैं हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री में नहीं अच्छा, मिल रहे सर स्पेशल इनको। वो स्पेशल क्या क्या धर्म मिल ने रहे दिए, क्या वो हैं धर्म ने दिए? हाँ स्पेशल नहीं धर्म, लेकिन धर्म मानने वाले लोगों ने दिए है ना सर। हाँ हाँ क्या बात कर हाँ रहे हैं आप यार, आपने नींद उड़ा दी तो हमारी सर, क्यों सुनिए धर्म के मानने वाले कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने दिए हैं, अरे मतलब सर मेरा आपको मतलब पता है ये है, कितनी थियस्ट मुश्किल से से मिला बोलो, है एथ सब अरे सर आपको? एथियस्ट नहीं थे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है ना, धार्मिक लोगों ने दिया है ये, क्या तो शंकराचार्य सर ने वो बोला था कि लोग आरक्षण सर का मैं जो बात बिल कर था रहा वो हूँ कि अमित शंकराचार्य ही लाए शंकराचार्य थे क्या? ने, कौन लेके आया था मैं भाई? सर थियस्ट हूँ, और वो अरे यार कैसे पास हुआ पता है धार्मिक आपको? मतलब पता थियस्ट है लोगों आपको ने सर, मेरी बात थियस्ट लोगों ने सर, एक बात को पकड़ पकड़ के मत लीजिए, अर्पित संविधान जी, सभा में के सब डॉक्टर साहब एथियस्ट आप थे, हैंडल करें। संविधान सभा में सब एथियस्ट थे, आप ही बताइए अरे थीस्ट अथीस्ट से फर्क ही नहीं पड़ता सर, भाई, वही वहां पर संविधान ह्यूमैनिस्ट थे में जो बात कर रहे हैं वो तो एक ह्यूमैनिटी के बेस सर पर मैं एक संविधान को सर बना रहे थे, ना कि पहले किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर। मैं सर थियस्ट होके हमारे वो नहीं हो हमारे सकता संविधान में क्या लिखा हुआ है? धर्म निरपेक्ष,
गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो है सरकारी, और कोई भी सरकारें, कोई भी तंत्र, सरकारी तंत्र और धर्म का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। शिक्षा, मेरा तो गजब का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई, यहाँ बता दूं वैसे। सर धर्म, सर धर्म का नहीं, यहाँ पर कास्ट नहीं, सर कास्ट में ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है सर। हर जो संविधान जब ड्राफ्ट हुआ था तो हर कास्ट के लोग थे सर, अपर कास्ट, हर कास्ट के लोग थे, लेकिन वो अपने किसी धार्मिक पक्ष को वहां नहीं रख रहे थे, आप इस बात को समझो। तो सर वही तो वही तो मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिक, आप सुनिए एक मिनट, अगर कोई वैज्ञानिक है वो आस्तिक है, लेकिन वो जो विज्ञान में अपनी थ्योरी दे रहा है, क्या वहां वो उसमें अपनी आस्तिकता घुसेड़ सकता है? वहां उसका कुछ लेना देना नहीं, उसका पर्सनल बिलीफ है। कास्ट सिस्टम में इसलिए घुसेड़ते क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथ उसका समर्थन करते हैं, आपके शंकराचार्य समर्थन करते हैं, वेद समर्थन करते हैं, उपनिषद करते हैं, गीता करते हैं, रामायण करता है, सब करते हैं। हम शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, हम रामायण नहीं मानते, आप वेदों को मानते हैं, आप उपनिषदों को मानते हैं, आप गीता को मानते हैं, आप रामायण को मानते हैं? हाँ सर, रामायण को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ। अभी तो सब है जातिवाद, किसमें इन ये सभी ग्रंथ आपके जातिवाद का समर्थन करते हैं भाई? सर एक्चुअली सर एक्सप्लिसिट जातिवाद कहीं पे नहीं है सर, ठीक है, और सर जहाँ पे जातिवाद वो सब कर रहे होंगे, शंभु का हत्या कर दी, वो जातिवाद एक्सप्लिसिट है या सटल है? सर शंभु को सर मैंने सर पहली बात तो मैं उनका ज्ञाता नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, सच बात कहता हूँ। अब यही तो गड़बड़ है, आपने पढ़ा नहीं है, फिर प्रॉब्लम है, आप पढ़िए फिर पता ही। तो मुझे सर मैं क्या करूँ सर, इससे इससे अगर मैं पढ़ भी लूंगा, इससे मेरे मतलब भगवान की जो बिलीव है उसका कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एथिस्ट बन जाऊंगा जो आपको पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो एक पावर है, सुपर पावर है, क्वांटम पावर है, और क्या क्या उस पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन कम से कम इतना फर्क तो पड़ेगा कि आप जातिवाद को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, कम से कम इतना फर्क तो पड़ेगा। आपसे ज्यादा हूँ, आपसे ज्यादा क्या सर लगता है? हाँ अगर आप जातिवाद के खिलाफ है ना, आप अगर जातिवाद के खिलाफ है ना, तो कल सबसे पहले रामायण को जलाएंगे आप, रामायण को जला देंगे आप, अगर आप जातिवाद के खिलाफ है सर, अगर आप जातिवाद गीता को जला देंगे, मनुस्मृति को जला देंगे आप, गीता को जला देंगे आप, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो जला देंगे, हाँ ये वर्ण व्यवस्था है, ये मेरे द्वारा ही स्थापित किया गया है, ठीक है, मनुस्मृति ये सब ब्राह्मण ऐतिह्य ग्रंथ जितने भी हैं, सब धर्म सूत्र सब सब में जातिवाद है, कहूँ तो खोल के दिखा दूँ सर, ऐसा कोई भी धर्म का व्याख्या ये मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। आपका जातिवाद से धर्म मतलब आपसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं सैम भैया, जातिवाद एक नहीं सर आप गाली देते हैं, आप शोरगुल करते हैं, गाली देता हूँ, कभी आज तक गाली नहीं दिया, कभी नहीं, आज तक गाली नहीं दी, मैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी गाली नहीं देता यार मैं। अरे सर मैं सर भुवन सर के चैनल में बहुत टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन और मैं अच्छे तरीके सुनता था उनको, मतलब मैं चीज कलम तपिन थी, मतलब उनकी सारी आर्गुमेंट सुनता था, ऐसी बात नहीं, हाँ। लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो मुझे पूरा प्रोपेगेंडा लगने लगा है, अच्छा मुझे कोई रेशनैलिटी लगती नहीं उधर से, आप देखिए अच्छा सुनो, भगवान शंकर को मानते हो? शिवलिंग का पूजा करते हो? शिवलिंग का पूजा करते हो? हाँ करता हूँ। शिवलिंग को स्नान कराते हो? अरे नहीं नहीं करवाता, मेरा बस भगवान से इतना इतना ताल्लुक है, मैं जब सुबह जाता हूँ नहाता हूँ भगवान के सामने हाथ जोड़ देता हूँ, कभी जब नहीं तो शिवलिंग को स्नान नहीं कराए कभी आज तक? नहीं नहीं कराया, दूध नहीं चढ़ाया, दूर से हाथ जोड़ते हो दूर से? सैम जी अरे भैया मैं उससे पहले आप चाहेंगे क्या मैं आपको जातिवाद दिखाऊं ग्रंथों में? किसमें?
ग्रंथों में, ग्रंथों में सर मुझे ग्रंथों के तरफ ये जा रहे हैं सर, मैं ग्रंथ जब मैं पढ़ा ही नहीं हूँ मैं तो सर आपकी तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जब कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को क्यों टारगेट करते हो, तो इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि जातिवाद वहां से आता है, आप जातिवाद के खिलाफ हैं तो आपको धर्म ग्रंथों के खिलाफ होना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वहीं से आते हैं आपको अम्बेडकर का, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना होगा तब आपको कास्टिज्म समझ में आएगा कहाँ से आता है ये, ठीक है, आपको प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ना होगा, आपको पेरियार को पढ़ना होगा, आपको सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी को पढ़ना होगा, वो तो ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण थे सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी, वो ब्राह्मण थे, उनकी कोई किताब पढ़ लीजिए, आलू की भीत कहीं पढ़ लीजिए, ब्राह्मण कह रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, अभी बताइए सर कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं तो आप क्यों ब्राह्मण और क्षत्रिय कर रहे हैं? अरे अभी आपने क्या बोला, आपको ये लग रहा है कि हम ब्राह्मण ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ब्राह्मणवाद की बात करते हैं हम, भाई ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, यहाँ दो ब्राह्मणों ब्राह्मण घर में जन्मे लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो निकल कर बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ कास्ट होता है ब्राह्मण का कुछ भी नहीं होता। अरे भाई ब्राह्मणवाद अलग चीज है, ये ब्राह्मण अलग चीज है, ब्राह्मणवादी तो कोई दलित भी हो जाता है कई बार, अगर वो कहीं अच्छी पोस्ट पे चला गया और वो भी उसको वो भी अपने आप को स्वर्ण समझने लगता है, ऐसा भी कुछ है, वो भी अपने दूसरे वो अलग चीज है। आपका पॉइंट से बारिश भी हो रही है, आपको ठंड लगेगी हमको भी लगेगी, लो हो चुकी है बात नहीं, ये पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है ठीक है, ये धर्म ग्रंथ हैं सारे, पराशर स्मृति और फलाना ढिमकाना जितने भी हैं, रामायण भी इसी में आ जाएगी, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक ये पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है, अतः उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी पतित मुर्दा अत्यंत मासिक धर्म वाली स्त्री, यहां पर सब आ गए, और 10 दिन के भीतर सूती का स्त्री मतलब गर्भ जिसको जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, जच्चा बोलते हैं जिसको, का स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है, अतः वस्त्रों सहित स्नान करें। आगे बढ़ूं या फिर यहीं से बैक, अरे निकल गए, अभी तो पहला पेज ही भी खोला था यार, जाने दो बरसात बहुत चले गए सर, चले गए बेचारे, कोई बात गुजर गए कोई बात नहीं, ओके, तो क्या कहना चाहते थे, क्या कह रहे थे कुछ समझ नहीं आया, वो असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि आप ब्राह्मण को टारगेट ना करें और धर्म ग्रंथों को टारगेट ना करें, और हम ब्राह्मण को कभी टारगेट नहीं करते भाई, हम करते हैं ब्राह्मणवाद को टारगेट, जो खुद को ब्राह्मण कहता है, और एक इफेक्ट आपको बता देता हूँ कि मेरे आसपास जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं जमीन की हकीकत पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये ना समझे कि मैं ब्राह्मणों की तरफदारी कर रहा हूँ, तो अगर 10 ब्राह्मण लोग हैं और 10 क्षत्रिय लोग हैं और 10 ओबीसी लोग हैं, जाट लोग हैं, तो उनमें से आप यकीन मानिए कि ब्राह्मण में 2 जातिवादी लोग मिलेंगे मेरे आसपास के जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 6 मिलेंगे क्षत्रिय और ओबीसी मिलेंगे पूरे के पूरे, इस टाइम कंडीशन ये है, ठीक है, तो हम इस चीज को भी नजर में रखते हैं कि न्यू ब्राह्मण है ये, आजकल जो ब्राह्मणवाद का ठेका लिया है ना, वो ब्राह्मणों ने तो छोड़ दिया है, वो तो पूजा पाठ कर्मकांड भी छोड़ चुके हैं, ये दूसरे उठाए घूम रहे हैं सबसे ज्यादा अपने सर पे, पालकी उठाई है 4 लोगों ने, हाँ अभी आप देखोगे तो शायद कोई मुझे कोई चैनल ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो इस चीज को इतना डिफेंड कर रहा हो जितने की दूसरी अदर कास्ट के लोग डिफेंड कर रहे हैं, उनके दर्शकों को देख ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, आपको नजर आएगा कि कौन ब्राह्मणवादी कास्ट कौन सबसे ज्यादा पहले पूछता है, सबसे ज्यादा आपको क्षत्रिय कथित क्षत्रिय मिलेंगे, भाई कौन जात का है, किस जात का है, कौन से मत है, ऐसा कुछ अभी मेरे को मिला था एक लड़का, लिफ्ट ली मैंने उससे, उसने हरियाणा का था शायद वो, उसने मुझसे सीधा यही पूछा कौन सी जात का है तो ये
पेट्रोल की जात का है बोलते तो बैठ के चले ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो भाई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है और किसी के भी के खिलाफ नहीं है, हम तो खाली ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, और वो ब्राह्मणवादी कोई भी हो सकता है, कोई भी। एसआर इंटरनेशनल, बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, अनम्यूट कीजिए सर। ओ सॉरी, हेलो कैन यू हियर मी? जी जी हाँ जी हियर। Oh hi, thank you so much for taking me in. Thank you so much. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ थैंक यू सर। जी जी। और Women with Science और आपके एक और है ना साइंस जर्नी। हाँ जी हाँ। मैं भी इनका फैन हूँ। आप तीनों को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। आरपीजी को सुना है आपने? नहीं मैंने इनको नहीं सुना है ज्यादा, आप तीनों को मैंने ज्यादा सुना है। इनको भी थोड़ा सुन लीजिए, उस दिन क्या होगा कि हमारा जो नंबर है ना वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अरे अच्छा क्या सच में हम मेरे को बस शिकायत अच्छा अच्छा मेरे को थोड़ा सा शिकायत ये रहती है अमित सर से, आपको पता है अमित सर से सबकी ज्यादा शिकायत है। अच्छा जो बंदा थोड़ा शरीफ होता ना सर, थोड़ा सी कम लिया करो आप ना, छोड़ते नहीं किसी को भी। हाँ ये हमारी भी शिकायत है, मतलब देखिए चूरी चला रहे हैं। अच्छा एक आप मेरे को बात बताओ सर, शेर के सामने में चाहे मुर्गी आए चाहे हिरन आए चाहे भैंसा आए वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैं इसको थोड़ा कम उससे मारूंगा, थोड़ा प्यार से इसको मारूंगा मैं। नहीं नहीं थोड़ा सा रहम करिए आप ना, बिल्कुल छोड़ते नहीं बेचारा, वो पानी भी नहीं मांग पाता। और वो तो हमारे वुमन विद साइंस सर है, वो आ जाते हैं तो बचा लेते हैं उनको और सही सलामत वो बेचारा चला जाता है। और बाकी मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने बारे में। एक्चुअली मैं किसी धर्म या किसी को सपोर्ट करने या फिर किसी को रोकने पढ़ाने दबाने नहीं आया। जैसे मेरी मैं खुद एक खोज में ही था कि ये चल क्या रहा है, मतलब मैं भी किसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर, बट द थिंग इज मुझे हर धर्म को जानने की एक क्यूरियोसिटी है अंदर मेरे, तो मैंने हर धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा है कि ये बेस किस पे है, ये क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पूछते हैं, ये किसको बुला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हर बार के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया और थोड़ा स्टडी करना चालू किया। और जैसे यूट्यूब में कई तो बहुत ज्यादा ही कट्टर दिख जाते हैं, कई थोड़े नॉर्मल दिख जाते हैं धर्म में, और फिर कईयों की बुक्स आ गई तो उसके ऊपर भी पढ़ लिया, तो कहानी यही समझ आई कि सब ना सब कहीं ना कहीं एक ना आइडिया में चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ होगा, मतलब आइडिया यही चल रहा कि हमारे बाप ने बोला था, ये दादा ने बोला था तो गलत थोड़ी बोलेगा, तो हम भी वही करेंगे, किसी ने देखा कुछ नहीं, सब ने यही मान लिया है, धर्म तो धर्म। अभी इसके साथ में और भी कई चीजें आ गई हैं, जैसे कि ये आपका अंधविश्वास, ओ माय गॉड, इसने तो और दुनिया डुबा रखी इंडिया की, इतने अंधविश्वास है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया भैया रुक जा थूक के जा, एक पार करेगा तुत्तू जा, शीशा टूट गया आप सुकून हो गया, नहाना नहीं है, बुधवार है मत धो कपड़ा मत धो, मंगलवार है नॉनवेज मत खा, बाल मत कटा, अरे भाई क्या चल क्या रहा है यार, कब ये पता नहीं धर्म से तो बाद में छूटेंगे ये लोग, सबसे पहले ये इनको अंध, ये जो अंधविश्वास है इससे निकालना है, इससे अगर निकल गए ना तो 50% वो धर्म अपने आप छोड़ देंगे। नहीं नहीं सही बात, स्पिरिचुअलिटी है ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके बाद फिर वो आ जाती है अध्यात्म आ जाता है उसके बाद। तो मैं एक्चुअली कहते ना कि एक थिंकर हूँ सर, मैं कोई वो एक बंदा नहीं, मैं एक थिंकर हूँ, मैं हर चीज को सोचता हूँ, हर पार्ट में सोचता हूँ कि यहाँ पे ठीक कैसे हो सकता था, इस बंदे का ये जो एक्शन था वो गलत एक्शन था, इस पे आप पॉजिटिव कैसे रिस्पॉन्स कर सकते थे, कैसे उसको हम चीजों को न्यूट्रल लाके खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई आपके धर्म पे गाली दे रहा तो आप भी गाली ही दो, अरे भाई तो कोई गाली दे रहा तो सुन ले तेरे शरीर में कौन सा लग गया, और भाई तेरे धर्म को अगर गाली दी है, किसी भगवान को गाली दी भी है,
तो जिसको दी है ना उसको भी तो बुरी लगनी चाहिए, वो बिगाड़ लेगा इसका, तू क्या बिगाड़ रहा है, क्यों बिगाड़ रहा है वो सब कुछ। अगर उसके अंदर पावर है, अगर उसके अंदर पावर है वो खुद बिगाड़ लेगा इसका। तू अपना काम करना, तू नौकरी करना 9 to 6 की चुपचाप, और बच्चे पाल अपने। तो अपने आप को ये रक्षक बन जाते हैं और जाके किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। भाई तेरे बस की है क्या? कभी ये सब लोग इतना नहीं सोचते कि ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें से अपना एक छोटा सा गोला है धरती, उसके अंदर से एक देश है हमारा इंडिया, उसके अंदर से एक स्टेट है हमारा मान लो दिल्ली या कोई कोई भी, आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली, तो दिल्ली है, उसके अंदर एक एरिया है मान लो लक्ष्मी नगर, उसके अंदर एक बी ब्लॉक है, उसके बाद वहां पे 350 मकान नंबर, और तेरी औकात क्या है भाई? तू कमरे में बैठ के तू क्या क्या लिख रहा है सोशल मीडिया में, ब्रह्मांड में तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है भाई। समझ नहीं आता, जब इंसान जब तक ऐसे नहीं सोचेगा ना, जूम आउट जूम इन अपने लाइफ पे नहीं करेगा, जब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो समझता है कि मैं ही शेर हूँ। बिल्कुल। ओके एसआर जी, तो अब ये सैम जी दोबारा से आए हैं। सैम जी आपका क्या रह गया था बताएं, आपको फिर ऐसा ना लगे कि हमने आपको दोबारा नहीं लिया और आपके मन की बात मन में रहेगी और आप पूरी रात जागते रहे, मन महसूस के रह जाए, बताएं क्या रह गया था बताएं। अरे आवाज नहीं आ रही सर, आप थोड़ा सा एक बार बोल दें क्या रह गया था। नहीं सर एक काम कीजिए, आप स्क्रीन पे रहें और सुपर इसमें सॉरी प्राइवेट चैट में लिखते हैं, ठीक है? अगर आप बोलने में समस्या है तो आप प्राइवेट चैट में लिख दें, मैंने ओपन कर लिया है, लिख दें एक बार, ठीक है? ओके हम नेक्स्ट को ले लेते हैं। अभी क्या हो गया कि चलने का भी समय हो गया। ओह मैं पहले थोड़ा सा सुपर चैट थी वो पढ़ देता हूँ। अरे यार काफी रह गई है तो सर खत्म करते हैं, इसके बाद 4:15 बजने को आ गए। हाँ हाँ चलते हैं, चलते हैं। वरुण जी का हो गया था बीमार, स्टेट्स आर टॉप। हाँ ये हो गया, न्यू मेंबर सनी तंवर भी हो गया। अरे यार मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। हाँ यहाँ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी आपका। अरे यार आवाज किस की तरफ से वापस आ रही है? सैम जी चलें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी आपका बहुत शुक्रिया। हार्टलेस एंड बी, भक्तों को कितने भी फैक्ट दिखा दो कोई बदलाव नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। बुलमैन जी, अंधभक्त के लिए एक बुक रिलीज करो सर। हाँ ये मुझे लगता है कि अमित जी, अर्पित जी और हम तीनों को मिलकर एक किताब तो लिखनी पड़ेगी, शुक्रिया आपका। वरुण जी 50% शंकराचार्य दलित कब होंगे? हाँ कभी नहीं होंगे, तो शास्त्रार्थ भी नहीं करना चाहते। गौतम सी सुपर स्टिकर के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। ओके तो अभी सर बताएं एक आध को लें या फिर निकलें, आप लोगों को क्या राय करते हैं सर? 4:15 बजने को आ गए, मैं तो फिर भी लेट जुड़ा था, आप लोग तो 6:30 घंटे से ऊपर हो गया। आपकी मर्जी है, कोई एक ले लो अगर लेना है। चलो एक लास्ट कॉलर लेते हैं, अर्पित जी अमित जी, और जल्दी से बात करते हैं जी। एसआरजी से बात हो गई, शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। आर के है राम कलेश जी, आप तो माफ करो प्लीज, सचित है और अननोन है, ठीक है ये ऐड नहीं हो पा रहे। ओके ठीक है, अनोन जी आप ऐड नहीं हो पा रहे। आरके जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
सर मैं आपकी वीडियो और ये स्ट्रीम बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और ये मेरे फ्रेंड में जब बातचीत करते हैं तो मैं उनके साथ डिबेट करता हूँ और मैं उसमें जीत जाता हूँ। बट जब मैं एक दो दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ डिबेट करा तो उसने मुझे एक सवाल पूछा था, उसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा था सर। तो हाँ मीन्स वो क्या बोल रहा था कि अभी जो फायर एग्जिस्ट होते हैं ना हर कंपनी में हर जगह, वो कहाँ से आए बोल रहे थे मुझे। तो मैंने बोला कहाँ से आए, तो उन्होंने बोला कि देखो जब महाभारत में लक्षाग्रह में जब पांडवों को जलाने की कोशिश की जा रही थी तो श्री कृष्ण को उनको भुयारी मार्ग दिखाया था, तो वो फायर एग्जिस्ट वहां से आए बोल रहे थे। तो ये सही क्या सर, वहां से कैसे आएंगे? तो वहां से आइडिया आ गई लोगों को ग्रंथ पढ़ती है कि अगर फायर होती है तो हमें एक मार्ग निकलना चाहिए जहां से हम भाग सकती है। अच्छा फायर एग्जिट तो ये उसका जवाब नहीं दे पाए बोल रहे। अरे हाँ मैं जवाब नहीं पाया दे पा रहा सर। अरे वो आपकी का सवाल है सर, में रह रहे थे वहाँ कहाँ से एग्जिट मार्क निकाला और उसमें दूसरे बच्चों को और एक उनके जैसे लोगों को रख के उनके शव मिले बाद में। क्या सर सॉरी सुनाई नहीं दिया। उनकी जगह पे पांच ये पांडवों की जगह पांच आदमियों को जलाया और एक कुंती की जगह और इनकी जगह दो औरतों को जलाया, इनको पहले से निकाला था। बट वो भुयारी मार्ग से आए निकले थे ऐसे बोल रहे हैं। झोपड़ी में कब रात को बनाएंगे भुयारी मार्ग, उस वक्त कौन सा टनल? ये आपकी का सवाल है ना वैसे। नहीं नहीं सर सच में वो मेरा फ्रेंड है, उसने पूछा था मुझे कैब में। यार ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं फिर तो आप तो झोपड़ी जलाई उसमें कहां टनल बनेगा भाई, कौन सा रातों रात टनल बनेंगे? उसकी रियलिटी तो अलग है, उसकी रियलिटी तो अलग है महाभारत वाले की, लेकिन आप इतने से आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए भाई। सीज फायर का जो सिस्टम है वो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत का है, जो इसकी सेफ्टी जो काउंसिलिंग है सेफ्टी जो एनबीसीसी है नेशनल कोड जो है वो पूरी तरह से बाहर से ही कॉपी किया गया है यहाँ। और जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी तब ये बहुत ज्यादा, अभी यहाँ पे तो मल्टी स्टोरीज अभी बन रही है और वहाँ पे तो बहुत पहले से बननी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने कोई महाभारत नहीं पढ़ा यार, वो तो हमसे ज्यादा मशीनरी फैक्ट्रियां कहाँ पे लगी थी सबसे पहले? फैक्ट्रियां तो यूरोप में लगी थी ना। यस सर यस। हाँ और फैक्ट्रियां यूरोप में लगी थी तो यूरोप के पास तो महाभारत नहीं था। तो ये 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 भी बोल रहा था कि हमारे ग्रंथ उन्होंने चुराए तो हमारे वो फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने उनके सब यहाँ छोड़ के गए ऐसे बोल रहे थे। अच्छा सुनो, आप ऐसा मानते हो कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया था, आप ये मानते हो? नहीं सर नहीं, मतलब लॉजिकल तो ये पॉसिबल ही नहीं सर। लॉजिकल क्या आप ये मानते हो क्या? नहीं सर नहीं। इवन मैंने ये क्वेश्चन जो आप हनुमान का बार बार बोलते हैं ना, तो मैंने ये मेरे फ्रेंड को पूछा था कि हनुमान ने सूर्य को कैसे निकला, तो उसने उसका आंसर भी दिया था। वो बोल रहा था कि बताओ क्या आपको, मैं अगर चाहते तो आप फ्रेंड को लाओ ना प्लीज, अगले शनिवार फ्रेंड को लाओ, बोलना एक जगह लेक चलता हूँ बोलना। उसको मैंने सर बोलना बहुत पापी लोग बैठे हैं आप वहीं चल के करते हैं यार बात, बोलना इन लोग ना सुधारते हैं अपन, बोलना इनको। उसको सर बहुत बार मैंने बोला तो बोल रहा है मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एक बार खत्म होते मैं वो डिबेट करूंगा, मुझे पता है वो चैनल बोल रहा था मुझे। अच्छा तो मैं देखता हूँ, वो ये भी बोल रहा था वो। ठीक है उन्हीं को देंगे जवाब सीधे, उनको लाना आप। ठीक है ठीक है चले चलेगा, उन्हें दबा के जवाब देंगे हम। चलेगा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके शुक्रिया आपका, थैंक यू। सचिन साकेत जी हेलो, माइक अनम्यूट करें सर। हेलो जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी बोले। सर मैं आप सर मैं आप लोगों को बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आप लोगों को काफी समय से देख रहा हूँ एंड थैंक यू आप लोगों ने जो भी ज्ञान दिया है मुझे, है ना। और सर मैं नास्तिक तो कहीं ना कहीं पहले से ही था, लेकिन रेशनलिस्ट मतलब तार्किक आप लोगों की वीडियोस देखने के बाद बन गया हूं ऐसा है। तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू जी। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था
जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कर्म के पीछे का विज्ञान क्या है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कर्म जो है वो वर्क कर्मफल। करता है, काम करता है। तो मैं सही हूँ कि गलत मुझे ये नहीं पता, तो बस आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए इसके लिए। यस, मुझे कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्या मैं सही हूँ कि नहीं वो आप डिफाइन कर दीजिए मुझे, तो वो बहुत बेटर होगा। जो कर्मफल सिद्धांत को मैनेज करती है। यस सर, हाँ जी, अर्पित, अर्पित जी, उसके बाद देखिए अमित जी। कर्मफल, कर्मफल इस तरह से तो होता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं जीवन में सफल नहीं होऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं अपने चीज़ों पर ढंग से ध्यान नहीं दूंगा तो मेरी चीज़ें अनमैनेज हो जाएंगी। तो ये तो यस कर्मफल होता है। आप जो जैसा कर्म करते हो, जैसे कि आपके एक्शंस होते हैं, उसी तरह का आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलता है, उसी तरह के रिएक्शंस आपको मिलते हैं। तो ये तो होता है। लेकिन एक जो कर्म फल का जो सिद्धांत, जो कि जो सनातनी भाई ओके हमारे बताते हैं, वो तो ये कहता है कि भाई आप जो अच्छे या बुरे कर्म करते हो उसका फल आपको इस जीवन में या अगले जीवन में मिलेगा। तो अगले वो ये जीवन वाला में जो मिलेगा। सिद्धांत है, ये तो एकदम इलॉजिकल चीज है। हाँ, इलॉजिकल चीज है। तो मतलब जैसे मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मुझे जाके वापस मिलेगी। मतलब मेरा मेन क्वेश्चन यही है कर्म फल के सिद्धांत को लेके। अगर आप देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी इमेज जो समाज में बनेगी एक अच्छे इंसान की बनेगी, और एक अच्छे इंसान की जब इमेज बनेगी ओके तो आपको आपको भी लोग हेल्प करेंगे, कहेंगे यार ये जो है बंदा अच्छा है, ये हेल्पफुल है, तो आपकी भी मदद लोग करेंगे। तो ये तो एक तरह का लेना देना है, मतलब जैसा कि जैसा हम समाज ओके को ओके देते हैं वैसा समझ ही रहा हमें हूँ। वापस मिलता है। ओके, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ ये कोई विज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक सिद्धांत है ना। मैं आपको बिल्कुल, एक ये उदाहरण से समझाऊं। ओके यस सर। कई साल पहले की बात है, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक बस स्टैंड पे एक थैला लेके बस में चढ़ रही थी। तो अभी एक बच्ची ने जी सर, मेरी मम्मी का पर्स निकाल लिया, थैले के ऊपर ही रखा होता था, कपड़ों के ऊपर था पर्स, तो वो निकाल लिया बच्चों के लिए, उसने हमारे लिए मतलब कुछ फ्रूट वगैरह लिए थे तो पर्स ऊपर ही रख लिया, तो वो बस में चढ़ते ही उसने निकाल लिया। अब कंडक्टर ने मम्मी को बस से नीचे उतार दिया। जी अब वहाँ वहाँ पर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं थी, वो बहुत बहुत भोली है। उन्होंने, वो रो रही थी, एक लड़का आया, कोई स्टूडेंट था वो लड़का, और ये मम्मी ने मुझे कहानी बताई बाद में। तो उसने कहा कि माता जी क्यों रो रही है, कह रही बेटा ऐसे करके बात हो गई और मेरा पर्स ना बस में चढ़ते ही उतार लिया और कंडक्टर ने मुझे नीचे उतार दिया। उसने अपनी पॉकेट मनी जो स्टूडेंट के पास होती है जो भी वो दी उसको, माता जी कितना किराया लगेगा ये बता दो मुझे, मेरे पास इतना ही है। तो उसने उससे जो वहाँ पे टिकट काटता है बंदा, वहाँ पे सेल्टर से बने होते हैं ना छोटे छोटे से, जी वहाँ से उन्हें पूछा कि इतने में मैं पहुँच जाऊँगी क्या अपने घर, तो उन्होंने बताया, तो उसने उस लड़के ने उतने पैसे दे दिए। जी अब मम्मी घर पे आ गई तो मम्मी ने काफी कहीं शायद 1-2 साल बाद मुझे ये बात बताई। मैं भीख देने और लेने में मतलब मैं इसके खिलाफ काफी समय पहले से ही था। अब जब जी वो बात मुझे बताई तो मेरे अंदर एक विचार पैदा हुआ कि हो सकता है यार ये जो भीख मांगते हैं सड़क पे, कोई औरत मांग रही होती है, बहुत सारे उनमें झूठ होते हैं, झूठे लोग होते हैं कि मेरी जी मुझे वहां पे जाना था और मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दो मुझे वहां पे जाना है। लेकिन मैं उनको पैसे देने लगा, मैं उनको जी पैसे देने लगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक एक भी महिला अगर सच्ची हुई, एक भी महिला सच्ची हुई, अगर मेरी मम्मी को भी उसने झूठा समझ लिया होता तो मेरी मम्मी बस स्टैंड पे अटकी रह जाती, और सभी लोगों ने झूठा समझ लिया होता तो मेरी मम्मी बस स्टैंड पे अटकी रह जाती। जी सर, समझा मैं। समझ गए ना? यस और यस ये चीज मेरे दिमाग में उस टाइम आई और मैं हमेशा से कोई झूठी हो कोई सच्ची हो उसको पैसे देने लगा। जो भी मुझे, मेरा ट्रैक ही वो था कि मेरा जो जॉब का जो था, मैं ट्रेन से अप डाउन करता था तो मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना होता था स्टेशन, और स्टेशन के रास्ते में कई महिलाएं मिलती थी मुझे, मैं सबको देता था पैसे, तो कोई एक तो होगी। जी अब सर, इसे आप जी किसी भी तरह समझ लीजिए, किसी भी तरह से समझ समझ लीजिए गया सर, कि मैं आपको पूरी तरीके से समझ गया सर।
बस बस ये सर एक और रिक्वेस्ट थी आपसे जी सर, जो मैं मतलब रविदास समाज से बिलोंग करता हूँ तो मैं गुरु रविदास जी के बारे में काफी चीजें पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने इसका बहुत बुरी तरीके से ब्राह्मणीकरण किया गया है, तो इनकी असली किया है वो स्टोरी तो एक क्या है रैशनल, तो वो हाँ तो रैशनल थे, रैशनल हाँ थे वो। हाँ वही तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है आप असली स्टोरी सामने ला सकते हैं तो प्लीज मेरे जैसे कई हाँ ले लोगों के आऊंगा, लिए आप प्लीज कोशिश करिए। ले ओके आऊंगा सर मैं, बहुत अच्छा संतों की लगा लेके आप लोगों आऊंगा। से मिलकर बात करके। यस सर हाँ तीनों की लेके आऊंगा मैं, नानक जी की लेके आऊंगा और कबीर जी की लेके आऊंगा और रविदास जी की लेके आऊंगा, तीनों तीनों की एक साथ करूंगा स्टोरी। ये मेरे माइंड में भी थी और ये रिक्वेस्ट जी कई बार सर मेरे पास आ चुकी है। बहुत शुक्रिया, ओके और सर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर चैट में लेने के लिए, और आप बाकी भाइयों की भी बात कर लीजिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू, और साईं जगदीश सर और अमित तिवारी सर जी को, सभी को सर थैंक यू मेरी तरफ से, थैंक यू ओके। ओके थैंक यू। आशीष कुमार जी, हेलो हेलो जी, जी बोले सर। हेलो थैंक यू यार जी मेरे को हाँ, चैट में लाने के लिए, इनका कन्वर्सेशन ये लेने के हमारे लिए। लास्ट कॉलर हैं तो आप रखें बात अपनी। जी, मैंने सबसे पहले आप ही को सुना था वुमेन विद साइंस को, जी जब सर मैं नास्तिकता की ओर गया था। उससे जी पहले मैं एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर भक्त था। मैं कृष्ण को, हनुमान को और ये रामायण वामायण बहुत ज़्यादा देखता था, महाभारत वगैरह। लेकिन जब से आपका चैनल देखा ना, तो उसके बाद से तो पता नहीं फिर मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया एकदम से। एकदम से ये सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने घर वालों को बोलने लगा कि ओ इन सब सब चीज़ों में पढ़े हो, कुछ नहीं है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। तो अब मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ हो गए हैं कितनी बातों में। अब मेरी मम्मी, आज जैसे शनिवार था, अभी अभी रात हो गई है, तो सुबह सुबह मेरी मम्मी ने चला रखा था शनिदेव का एक वो भजन। तो भजन मैंने कहा ये कुछ नहीं है, ये शनि वनी कुछ नहीं है, ये खाम खा की बात है, ठीक है, ये सब हमारी बनाए हुए हैं, ये इसको पूजने से कुछ नहीं होगा। और मंदिर में मेरी मम्मी सफाई वफाई कर रही थी, जोत वोत लगा रही थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी से, जो भी आप सभी यहाँ पर नास्तिकी हैं, तो आप क्या आपके घर वालों का, आपके सामने भी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कि आपके घर वालों से आपको कुछ डिबेट करनी पड़े, या फिर कुछ कैसे हैंडल करते हैं आप? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके घर में सभी के सभी सभी सारे हाँ के सारे आप ही के जैसे हो। और आप हाँ तो मुझे लगा, आपने भी ना थोड़ी देर पहले हरियाणवी वर्ड यूज किया था कि कौन सी जात का है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे हरियाणा से लग रहे हैं, और मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मैं हाँ हरियाणा से तो नहीं हूँ, मैं रहा हूँ बहुत जगह। मैं अच्छा पंजाब में रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मैं हिमाचल में रहा हूँ, मैं नालागढ़, हाँ हिमाचल की नालागढ़ एक जगह है वहाँ पे रहा हूँ, और हरियाणा में भी मेरे 2 साल लगे हैं, और तो आप दिल्ली इस में रहा कल्चर को हूँ। मतलब भली भांति जानते होंगे, ये जो इधर का जो मैंने हमारा साइड बहुत का जो ऑब्जर्व किया है भाई, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है मुझे आसपास के लोगों का। मेरे पास पता क्या स्टडी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास अनुभव है, और मैं लोगों को पढ़ता हूँ। मैं किताबें बहुत कम पढ़ पाता हूँ, मेरा वीक पॉइंट है, मैं किताबें बहुत कम पढ़ पाता हूँ, मैं इंसानों को बहुत पढ़ता हूँ। जी तो आपकी बात का जो जवाब है, बिल्कुल हम सबको ये सामना करना पड़ता है इस चीज़ का। हम सबके परिवार में, ज़रूरी नहीं कि हम अगर एथिस्ट हैं, हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं तो हमारे परिवार वाले भी वहां पे पहुंच गए हों, ऐसा नहीं होगा। देर सवेर पत्नी होती है, वो कब पहुंचे ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, और मम्मी और जो फादर होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, उनकी तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी तो उम्र निकल गई है इस चीज़ में, और उनके लिए वही एक साधन है, सत्संग है, शांति का, जो उन्हें उन्हें अच्छा एहसास कराता है, तो वो एक अलग लेवल पे होते हैं। हमें तो एक कोई गाना सुन के भी मोटिवेशन मिल जाता है, कोई गाना सुन के, कोई फिल्मी गीत सुन लिया, कोई मोटिवेशनल कुछ फिलोसफिकल गीत हैं बॉलीवुड में वो सुन लिए, तो उससे भी हमें अच्छा फील आ जाती है, हमें अच्छी फील आ जाती है। लेकिन उनके लिए वही भजन कीर्तन और सत्संग, वो चीज़ें चलती हैं। जी तो ये सबके साथ है, ज़रूरी नहीं होती कि आप अपने से एज लोगों को बदलने की कोशिश करें, उन्हें थोड़ा सा बता सकते हैं जो उनकी समझ में आए, सिर्फ उतना जो वो समझ सकते हैं, जो उनके लिए आसान है, सिर्फ उतना बता सकते हैं। अब अगर आप उन्हें साइंस समझाने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगी,
हर किसी चीज़ के। आप शनि ग्रह दिखाएं उनको मोबाइल में कि देखिए मम्मी जी ये शनि ग्रह है, ये किसी का भला बुरा नहीं करता, उनको नहीं पल्ले पड़ेगा उनको नहीं समझ में आएगा। तो उनको भला बुरा क्या होता है और हमारे करने से ही होता है कि जो हम जैसा करते हैं वैसा हमें रिटर्न में मिलता है, उस तरह से मतलब व्यवहारिक तौर पे आप समझाएंगे उनको तो थोड़ी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा काम मेरी जो सलाह है कि ज़्यादा का मैंने समय वेस्ट भी करके देखा इस चीज़ पे, ज़्यादा काम करें आप नई जनरेशन पे है और जो आपके साथ की जो जनरेशन है आपके हम उम्र हैं और आपसे छोटे हैं उन पे काम करेंगे आप, असल में आपका उन पे प्रभाव भी पड़ेगा। आप बड़े हैं उनसे या फिर आप उनके हमजोली हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं ना वो कहते हैं यार तू कल का बच्चा हमें सिखाएगा, एक तो ये थॉट होता है उनके अंदर, ठीक है, वो नहीं समझेंगे। और दूसरी चीज और देखिए मैंने कि अगर अभी मैं थोड़ा करियर में थोड़ा स्टैंड हो गया, अभी पिछले कुछ 1-1.5 साल से मेरी आईटी में जॉब लग गई, तो मैंने क्या हुआ आईटी में जॉब लगने से पहले मैं एक पंडित के पास गया, तो मैंने आपको बताया कि आपको सुनने से पहले मैं भी कट्टर आस्तिक था, तो मैं पंडित के पास गया तो पंडित ने मेरे को बोला कि एक काम करना ऐसे ऐसे एक शंख पुष्प भी आते हैं, एक गोमुखी चक्र होते हैं, तो उसको अपने ऊपर ऐसे बार आप अपने ऊपर वारना उसको और बहते पानी में उसको फेंक देना। और उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी था, कह रहे कोई बात नहीं मेहनत तो सब करते हैं लेकिन अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो वो फल जल्दी मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहता था बट मेरी वाइफ ने मेरे को प्रेशराइज करके वो चीज़ करवा दी, तो मैंने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू मेरा लक मान लो या फिर कुछ भी मान लो वो क्लियर हो गया मेरा इंटरव्यू। तो सारा का सारा श्रेय जो था ना वो मेरी मेहनत को ना जाके वो सारा का सारा श्रेय उस चीज को चला गया, वो सारा का सारा श्रेय। और उसके बाद फिर वो जो पंडित था मैं उसके पास दोबारा गया तो मेरा उससे कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, तो वो अपने आप को ज्ञानी मान के बैठा है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, लेकिन उसने मेरी बेइज्जती कर दी अपने घर पे बुला के किसी चीज को लेके, तो मैंने उसको ही मानना फिर बंद कर दिया। तो मेरे घर वाले बोलते कल तक तो जब तेरी जॉब नहीं लगी थी तब तो उसके घर पे जाता था उससे पूछने कि मेरे को बता दो क्या करूं मैं क्या ना करूं, अब तेरा झगड़ा होगा तो तू उसको मानता नहीं। मैंने कहा वो बात नहीं है, मैंने अब सब चीजों को ही मानना बंद कर दिया। कह रहे नहीं अब तेरे अंदर घमंड आ गया। तो कई लोग नास्तिकता को घमंड से भी देखते हैं, इसमें घमंड भी आ गया। ये तो ऊंचा बोल रहा है अभी बेटा। अभी कल परस क्या हुआ, पिछले हफ्ते मेरे घर पे एक मेरी मम्मी की बुआ का लड़का आया हुआ था और वो कट्टर मोदी भक्त और राम भक्त है, डेली मेरे व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हालांकि मैं कोई रिप्लाई नहीं करता, उसका मैसेज आता है और वो मेरे घर पर ही आ गया वो अभी पिछले हफ्ते। तो वो मेरे को राम से कुछ रिलेटेड था तो मैंने कह रहे कुछ नहीं है राम वाम कुछ सब ये सब सुपरमैन थे ना जो ये सुपरमैन आयरन मैन इसी तरह ये राम भी थे हनुमान थे। अब अगर आने वाले 100 साल के बाद अगर हमसे कोई कहेगा कि भाई सुपरमैन कौन था तो हम भी ये कहते हैं कि सुपरमैन एक व्यक्ति था जो सच में था कोई, हाँ, और उसके ऐसे ऐसे एक फ्लैश था एक बैटमैन था, तो इनको भी लोग सच ही मानेंगे। तो मैंने कहा राम भी ऐसी कोई कैरेक्टर है ये उनको सच मान के बैठे। आपको एक चीज बताऊं सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर हम इस तरह के तर्क देते हैं ना तो लोग तुरंत ही शटर बंद कर लेते हैं। आप इस तरीके से पेश आए उनको, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात कर रहा है तो आपको थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ेगा कि आप एक हार्ड कवर में एक रामायण अपने पास रखें। अगर आपको यही टारगेट करना है आप उसको बैठे यार जो भी जय श्री राम बोले अगर फुर्सत मिले यार भाई बैठते हैं यार रामायण को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट आप मेरी वीडियो से उठा सकते हैं, आप उनको मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग करके रखें उसके अंदर, ठीक है, और उसके साथ बैठ के पढ़ें उस चीज को यार रामायण पढ़ते हैं चलें, बस काम हो जाएगा आपका, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं। और दूसरी ये काम करेगा, ये काम करेगा। एक स्ट्रेटजी है कि हाँ, आप बताएं, आप अगर घर पे रहते हो तो मैं बचपन से मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी, आपको आपके हिसाब से जीना है आप जियो, आप दिन में 10 बार पूजा करो या 20 बार पूजा करो, मुझे इसमें मत घसीटो और मेरे को और आपके भगवान को दूर रहने दो, आप और मैं इकट्ठा रहेंगे लेकिन आपके भगवान आपके पास, मेरा नास्तिकता मेरे पास, आप अपने रास्ते चलो मैं अपने रास्ते चलता। तो जब आपको
ये सब करना है, मैं आपके साथ नहीं हूँ और आज भी यही कहता हूँ, और धीरे धीरे वो बदल गए, मैं नहीं बदला। अर्पित जी लास्ट कॉलर है हमारे, ये तो आप भी एक सलाह दे दीजिए, अमित जी भी आप भी एक सलाह दे दीजिए उसमें। एक चीज और, उसने मेरे को एक चीज और बोल दी, बहुत बड़ी बात है, कह रहा तू देख लियो, तू आज राम के बारे में बोल रहा है ना, तेरे को राम अपने चरणों में ना घसीट लेना, तो मेरे को बता दियो। तो मैंने भी उसको बोला, तो बहुत बहुत, तो मैंने भी उसको यही बोला कि भाई चाहे मेरा सत्यानाश हो जाए, ठीक है, चाहे मेरे माँ बाप के ऊपर कितनी भी आंच आ जाए, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा और ना राम का नाम लूंगा। कह रहा तू देख लियो, कह रहा देखो ये आदमी बैठा है ना, इसका पापा वो पढ़ता था कुरान, ठीक है, और यही बोलता था क्या है तुम्हारा राम, क्या है तुम्हारा राम, आज देख ले उनका सत्यानाश हो गया। मेरे पास बेबी सेने बोलना, मेरे पास बेबी सेने। अर्पित जी, अगर अगर कोई वास्तव में सर्व शक्तिमान सत्ता है तो क्या वो इतनी तुच्छ हरकत करेगी कि एक छोटे से इंसान को घसीटे, इस तरह से उसे सताए, इसलिए ताकि वो अपने अस्तित्व को साबित कर सके, तो ये तो बड़ा ही मजा किया। वैसे इतने लोगों को रोज घसीटता ही है ना। हाँ, राइट। अमित जी, हाँ, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अपनी बात सही रख दी सौरभ, शायद। हाँ, पर अपने मत मत बदलिए किसी का मन रखने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अपने विचार रखिए, ज्यादा एग्रेसिव मत हो जी। मेरा एक प्रिंसिपल है, लेट एवरीवन लिव विद देयर फूलिशनेस एंड इंटेलिजेंस। कई बार हम लोग दूसरों में नास्तिकता अपने जो जीवन है उससे भी दर्शा देते हैं ना। आप अपना जीवन ऐसा जिए कि आप लोगों को दिखाइए कि जो इंसानियत है उसको मैं, जो इंसानियत है उसकी भावना मैं अपने अंदर जगा सकता हूँ बिना किसी ईश्वर के। कई बार मैंने इसे देखा है, सिर्फ ऐसा देख के ही कई लोग बदल जाते हैं, शब्दों की कई बार बहुत जरूरत नहीं पड़ती। हुआ क्या, ट्रेन में मैं बैठा था, एक बोला कि भगवान के नाम पे दे दे। मैंने कहा यार तू इंसान है और तेरे को तकलीफ है तो तू अपने नाम पे मांग ले, भगवान के नाम पे मत मांग। मैं भगवान में नहीं मानता। हाँ, तेरे को भूख लगी है तो मैं समोसा और ब्रेड लेके आया हूँ, एक तू ले ले भाई। बस इतनी सी बात से दो बैठे थे ना, वो हक्के बक्के रह गए यार, ये बंदा क्या है, मतलब इसने भगवान की इंसल्ट भी कर दी और इसने एक नेकी का काम भी कर दिया। वो सोच में पड़े, वो कंफ्यूज हो गए, वो उलझ गए। अगली बार उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या भाई तू नास्तिक है क्या, साथ के ही थे मेरे वो। मैं कहा यार मैं नास्तिक हूँ आस्तिक हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उसकी तकलीफ देखी तो लगा, लेकिन वो भगवान के नाम पे मांग रहा, मतलब क्या भगवान उसको खुद दे दे, अगर वो भगवान के नाम पे क्यों मांगना, भगवान से मांग लेना सीधा, मांग तो इंसान से रहा है, भगवान के नाम पे मांग रहा है। तो ये हल्की फुल्की बातें करके भी काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, राइट राइट, ये बात आपने सही बोली। और कोई समझाने आए ना तब आप बोलिए, अगर जब तक वो अपनी राह पे चल रहा है चलने दो, अनलेस अंटिल वो बहुत ज्यादा किसी अंधश्रद्धा या बाबा और इनके बहकावे में जाए तो उसको एक वार्निंग सिग्नल देके छोड़ दो। पर वो आपको थोपने आए ना तो फिर जिस एग्रेशन से आता है उसे डबल एग्रेशन से उसे मुक्का मार दो। और ये रियल रैशनलिस्ट को आप ब्लॉक कर दें, जो भी अगर यहाँ पे मॉडरेटर है, तो ये क्या बकवास किए जा रहा है, यहाँ पे आके तो बात करते नहीं बने इनकी, अब यहाँ पे आके बकवास किए जा सुलग गई, सुलग गई उसकी। हाँ, चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और आप लोगों ने इतना साथ दिया, सच में आज मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने इस चैनल के लिए, और हमें आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, और हम भी आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। आपसे मिलने का बहुत बहुत मन होता है, लेकिन सैटरडे को ही हम बना पाते हैं प्लानिंग, और यहीं पे हमें समय मिल पाता है, कि शनिवार तक ही हमें समय मिल पाता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, बीच में नहीं आ पाते हैं। तो अगले शनिवार मिलेंगे आप लोगों से धाम में विषय के साथ। पंकज रावत जी का एक आखिरी में सर वो पोयम ले पढ़ देता हूं जी। तो हम क्लोजिंग करते हैं पंकज रावत जी के इस चैट से, ह्यूमन विद साइंस, सनातन धर्म क्या है, सुन चुका हूं, सुन चुका है। हाँ, सुन चुका है, जिसमें धर्म के कीचड़ से तन
जातिवाद के कारण मरते जिसमें बेगुनाह जन, नारी का अपमान है जिसमें पशुओं का सम्मान है, ग्रेट, नारी का अपमान है जिसमें पशुओं का सम्मान है, मान मान के इसको सब सबका घुट रहा है मन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी को, गुड नाइट, बहुत शुक्रिया रावत जी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सैटरडे, हाँ मॉर्निंग भी हो गई, चलें।